नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। कौन है राहुल गांधी की महिला दोस्त जिसकी शादी में नेपाल गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेपाल के निजी दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि वो अपनी एक नेपाल फ्रेंड सुमनिमा उदास की शादी में शामिल होने के लिए काठमांडू पहुंचे हैं। इस बीच उनके नेपाल दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी एक नाइट क्लब में नजर आ रहे हैं। ये नाइट क्लब लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक बताया जा रहा है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी सोमवार को काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अपने 3 साथियों के साथ मैरियट होटल में ठहरे। वो यहां अपनी नेपाली फ्रेंड सुमनिमा उदास की शादी में शिरकत करने पहुंचे हैं। इस बाबत सुमनिमा के पिता और म्यांमार में नेपाल के राजदूत रहे भीम उदास ने कहा, हमने राहुल गांधी को मेरी बेटी की शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने बताया कि विवाह समारोह मंगलवार को होना है और 5 मई को रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। सुमनिमा की शादी नीमा मार्टिन शेरपा से हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार कई और अति महत्वपूर्ण भारतीय हस्तियां भी शादी समारोह के लिए पहुंची हैं। सुमनिमा उदास ने अमेरिका के ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की है। वो CNN इंटरनेशनल में संवाददाता के रूप में काम कर चुकी हैं। उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और आम मुद्दों को कवर किया है। दिल्ली गैंगरेप केस में भी सुमनिमा ने रिपोर्टिंग की थी। सुमनिमा अपने पत्रकारिता के पेशे में कई अवार्ड भी जीत चुकी हैं। उन्हें 2014 में अमेरिकी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा सुमनिमा को सीने गोल्डन ईगल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिलहाल सुमनिमा लुम्बिनी म्यूजियम इनिशिएटिव की फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।